पंजाब पुलिस में सियासी मुदाखलत और गरीब आवाम से जुल्म और ज्यादती के वाकयात हमेशा से ही जुबाने ज़द-ए-आम रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के नए पाकिस्तान में भी इन वाकयात और पुलिस के रवैये में तब्दीली के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आते। इसकी जिंदा मिसाल हैं थाना नुशहरा के इलाके मुआवजा गरमा के एहतजाज करते ये मेहनत कश इलाका मकीन, जो मुबैना तौर पर नून लीगी एम पी ए खालिद वारों के गुंडों के हाथों दिन दिहाड़े अगवा होने वाली 14 साल तालबा सना के गम से निढाल और आंसू बहाते बिलकते रोते वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ की अपील कर रहे हैं। बच्ची नहीं मिल रही है, खालिद वारन जो है ना उनका साथ दे रहा है और उसी वजह से हमारी बच्ची अगवा हुई है। हमारी बच्ची हमें नहीं मिल रही है, प्लीज हमारे साथ वजीर आला इंसाफ करो, हमें हमारी बच्ची लेकर दो। हमें नहीं पता हमारी बच्ची को मार दिया गया है, क्या किया है हमें 6 दिन से कोई अता पता नहीं ना। प्लीज हमारा मदद करिए, कोई भी हमारे साथ नहीं मदद कर रहा। 6 दिहाड़े ठीक है साड़ी बच्ची को अगवा किते ने, घर चुचाते ने दुश्मन, साढ़े नाल इंसाफ कर वजीर आला। वालदैन और अहली इलाके पर बच्ची के अगवा पर पुलिस की जानब से मुकदमे का इंदराज और मुलजमान की गिरफ्तारी तो दूर की बात, उल्टा उन्हें पुलिस की जानब से किसी भी किस्म की कार्रवाई की कोशिश करने पर संगीन नतीजे की धमकियां किसी कयामत से कम नहीं। क्या नए पाकिस्तान में भी इन बिलकते रोते और सिसकते वालदैन को इंसाफ मिल सकेगा? कैमरामैन वसीम अली के साथ चौधरी सलीम, ARY न्यूज, बहावलपुर।